क्या SMS सर्विस, किस काम की SMS सर्विस? आपके प्रीपेड मोबाइल्स बंद है अभी, पहले वो तो रेस्टोर करो ना। SMS तब आएंगे जब प्रीपेड मोबाइल्स रेस्टोर होंगे। यहाँ प्रीपेड मोबाइल काम ही नहीं कर रहे और SMS की बात कर रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं जैसे बड़ा तीर मार, बड़ा एहसान किया कश्मीर पे। एक बस बहाने है, 3 महीने 4 महीने से बोल रहे हैं हालत नॉर्मल, लेकिन अभी भी प्रीपेड मोबाइल्स बंद हैं। तो फिर क्या SMS आएंगे यार? SMS तब आएंगे जब प्रीपेड मोबाइल्स एक्टिवेट होंगे। SMS तब आएंगे जब हमारे पास इंटरनेट काम कर रहा होगा, जब हम फॉर्म भर के फिर OTP आएगा। OTP कैसे आएगा जब ऑलरेडी आपके मोबाइल्स बंद है, आपके प्रीपेड मोबाइल्स बंद है? ये कुछ नहीं है, बस बहाने हैं। इंटरनेट की बात करेंगे या SMS की बात करेंगे? इंटरनेट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आजकल इंटरनेट के बगैर कुछ होता नहीं है। इंटरनेट एक इम्पॉर्टेंट जो ना वो हिस्सा बन चुका है लाइफ का। तो अगर हालात एक तरफ से अगर हम देखा जाएगा ऑन ग्राउंड हालात बिल्कुल नॉर्मल है, तो वही एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात हम करेंगे या वो भी खुद कह रहे हैं कि हालात जो है नॉर्मल है, लेकिन स्टिल इंटरनेट बाहर है। उसे देख ले कि जर्नलिस्ट फैटर्निटी वो भी सफ़र कर रही है, बिजनेस वाले हैं वो भी सफ़र करें, और स्पेशली जिनका ऑनलाइन बिजनेस, जो ऑनलाइन काम कर रहे थे, जो अपनी रोजी रोटी कमाते थे, वो बिल्कुल बैठे हुए, वो जॉबलेस हुआ है, वो इंटरनेट अभी भी बंद है। अगर हालत नॉर्मल यहाँ पे हुए है तो इंटरनेट अभी तक रेस्टोर क्यों नहीं हुआ? वहीं अगर हम कल की बात करें, रोहित कंसल जी ने जो प्रेस ब्रीफ कल दिया था जम्मू में, उन्हें ये कहा था कि SMS सर्विस जो है थ्रू आउट द कश्मीर वैली 12 बजे से रेस्टोर हो जाएगी। आज दिन के 12 बजे, लेकिन अभी तक ऐसा वो ऑर्डर जो है मेरे ख्याल से वो खाली प्रेस ब्रीफ तक ही महदूद रहा, इंप्लीमेंट कहीं हुआ नहीं है। हाँ, BSNL to BSNL SMS हो रहा है क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, उस पे रेस्टोर हुआ। लेकिन रात अदर प्राइवेट कंपनी से, चाहे भारतीय एयरटेल है, आइडिया है या जियो है या वोडाफोन है, तो उस पर अभी तक जो SMS है वो सर्विस अभी रेस्टोर नहीं हुई है। अब हमारी अपील यही है गवर्नमेंट से, इफ सिचुएशन इज़ नॉर्मल सो इंटरनेट क्यों बंद है?